स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दिए हैं। जिस जिस चैप्टर्स के क्वेश्चंस मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, या जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर हो गया, और स्टार्टिंग चैप्टर जो है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दिए। मेरे इन वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जो जो आप एकेडमीज़ में पढ़ते हैं, फिर जो आप बाद में मेरे वीडियोस को जस्ट आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन डिटेल्स में, ठीक है सर। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मेरे आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी एकेडमीज़ में या अपने रिलेटिव्स जो भी आपकी यानी एंट्री टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 44.8 dm³ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन वेसल्स आर। अब देखें, फॉर वन मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, एक मोल के लिए जो ये वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³, ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें एवोगैड्रो नंबर्स भी कितने होते हैं, एक एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास टू मोल्स हैं, क्योंकि 44.8 dm³ का मतलब क्या है, टू मोल्स हैं। अगर मोल्स टू हो गए तो इसके मतलब एवोगैड्रो नंबर भी कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर वन का वो होगा 2NA यानी टू एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फॉर एवोगैड्रो नंबर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला देखें, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ एनी गैस एनी सब्सटेंस, जाहिर सी बात है किसी भी सब्सटेंस में अगर एक मोल है तो वही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 × 10²³, ये भी सही है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की यही वैल्यू होती है। थर्ड क्वेश्चन है इट्स वैल्यू चेंज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज़ में टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन देख लीजिए, इट्स वैल्यू चेंज व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है जब आप मोल्स को इंक्रीज करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज़ में भी चेंजिंग आएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी मोल से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, अगर मोल्स इंक्रीज हो गए तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, तो कौन से ऑप्शन में कम अज कम यानी मोल्स प्रेजेंट है। पहला देखें, वन मोल ऑफ एनी गैस जो होता है उसमें कितने यानी वॉल्यूम होता है, वो होता है 22.4 dm³, मतलब डी ऑप्शन। नीचे से देखें, डी ऑप्शन है 22.4 dm³, मतलब ये वन मोल है। अब देखते जाएं कि ये वॉल्यूम जो है ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी 22.4, फिर 10, फिर 5, फिर 1, मतलब अगर यानी नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो सबसे कम मोल किस में होंगे, 1 dm³ में, ठीक है, तो 1 dm³ ऑफ मिथेन गैस एट एसटीपी, इसमें कम से कम मोल्स होंगे, तो इसके लिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 3s ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज हमें बतानी है, n=0 और l=1। अब देखें, n हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, l हम कहते हैं अजीमथल क्वांटम नंबर को। s के लिए, s सबशेल के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है, और p के लिए 1, d के लिए 2 और यानी f के लिए 3 होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो यानी जो भी सब शेल है उसके आगे जो भी नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अगर 3s है तो मतलब 3 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू है, एंड s के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन के पहले एटम यानी सॉरी ऑर्बिट के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले यानी ऑर्बिट के लिए जो हाइड्रोजन एटम की वैल्यू होती है वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जिसमें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर्स के, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको nth यानी हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए, उसके रेडियस की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइड में जेड, ठीक है। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड फॉर द एटॉमिक नंबर, और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो मतलब 0.529 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर से, एन मतलब आप जो भी ऑर्बिटल लेना चाह रहे हैं, अगर थर्ड तो 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यह फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा फॉर द nth ऑर्बिट रेडियस के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है।
सिक्स क्वेश्चन है, इन 1935 जेम्स चैडविक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज, ठीक है 1935 या 1932 में, मतलब 1930s में ही है, ठीक है। तो 1935 में जेम्स चैडविक को क्या नोबेल प्राइज मिला था, किसकी वजह से? ड्यू टू बिकॉज ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है सर। उसके बाद सेवन क्वेश्चन देखें, द शेप ऑफ ऑर्बिटल विच एल इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ऑर्बिटल की शेप बताओ जिसका एजीमिथल क्वांटम नंबर जीरो है। तो मैंने आपको अभी बताया एजीमिथल क्वांटम नंबर जीरो किस सबशेल का होता है, एस सबशेल का। तो एस सबशेल की वैल्यू हमेशा, वैल्यू नहीं शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, तो इसकी वजह से इसका ये ऑप्शन करेक्ट। एट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ मॉलिक्यूल इज 104, ठीक है अगर एंगल 104.5 डिग्रीज है देन ज्योमेट्री विल बी, तो ज्योमेट्री क्या होगी, लिनियर, पैरामिडल, बेंट या एंगुलर या प्लेनर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो 104.5 ये जो एंगल होती है, बॉन्ड एंगल, ये होती है फॉर बेंट शेप के लिए, वी टाइप शेप के लिए, ठीक है। ड्यू टू यानी लोन पेयर्स की वजह से होता है, जिसमें दो लोन पेयर्स होते हैं, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने तो पढ़ा ही होगा, तो इसकी वजह से इसमें जो शेप होगी वो बेंट शेप होगी, जैसे आपकी वाटर की शेप बेंट होती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की भी शेप बेंट होती है, उसके साथ साथ मिथाइलिन CH2 इसकी भी बेंट क्या होती है, शेप क्या होती है, बेंट होती है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, क्लोरीन टू क्लोरीन, हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है ये अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगी तो उसकी हमेशा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होती है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, जिसकी 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उसकी वजह से HF में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल विच इज जीरो डायपोल मोमेंट, तो जीरो डायपोल मोमेंट हमेशा उस मॉलिक्यूल का होता है जिसकी शेप लिनियर हो और जिसकी बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज हो। तो आप देख सकते हैं किसमें 180 डिग्रीज शेप होगी, सॉरी एंगल होगी, वो है आपका डी ऑप्शन CCl4, इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 180 होती है और इसकी शेप लिनियर होती है, इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होता है। 11th क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, वो होती है आपकी 180 डिग्रीज। तो सबसे पहले आप यानी कंपाउंड देख लीजिए, CS2 H2O NH3 BF3, तो नीचे जो तीनों ऑप्शंस हैं इस तीनों ऑप्शंस में यानी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होती है 180 डिग्रीज और 180 डिग्री होती है CS2 की, ठीक है सर। तो इसकी वजह से ए ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगी 180 डिग्रीज और इसका डायपोल मोमेंट अगेन जीरो होगा ड्यू टू लीनियर शेप। 12th क्वेश्चन है, वन डे पे, एक डे पे में कितने कूलम मीटर्स होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है 3.33 × 10⁻³⁰, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13th क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल आपको पता है डायटॉमिक है, तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपको हाइड्रोजन ऊपर रखना है तो अमूमन ये होता है कि जो जिसका मास ज़्यादा होता है आप वो ऊपर रखते हैं, ऑक्सीजन ऊपर रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन नीचे रखेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर जो मिलने वाला है वो है 2:1, यानी हाइड्रोजन जो है ये 2 times ज़्यादा डिफ्यूज होगी किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2:1 करेक्ट आंसर है, आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट, तो मोलर वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन गैस का ये मैक्सिमम होता है 0°C से 1 atm तक, ठीक है, क्योंकि रियल गैस है, तो इसकी वजह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली जीरो, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो कब होता है, वो होता है 0 Kelvin पर, ठीक है, जैसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो 0 Kelvin पर या −273°C पर हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो उस गैस का जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे −273 Celsius तो नहीं है लेकिन 0 Kelvin है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 17th क्वेश्चन है, अंडर सिमिलर कंडीशंस मिथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से कितना गुना ज़्यादा डिफ्यूज होगी, तो आपके पास ऑप्शन है 1.5, 2, 4, 16, तो अगेन आप इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन का, ठीक है। अब क्या करेंगे, SO2 का जो मास है ऊपर रखेंगे, मिथेन का नीचे रखेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर जो मिलने वाला है वो है 2 times faster, यानी मिथेन गैस 2 times faster डिफ्यूज होगी सल्फर डाइऑक्साइड से। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसिस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स, तो किस में कम से कम लंडन यानी वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप देख भी सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या हैं, गैसेज हैं, ठीक है, और ब्रोमीन जो है ये आपके पास लिक्विड होता है, आयोडीन आपके पास सॉलिड होता है,
तो वीकेस्ट किस में होगा? जाहिर सी बात है गैसेस में वीकेस्ट होगा, तो मतलब ए और बी में कोई ना कोई एक करेक्ट आंसर है। ब्रोमीन भी नहीं हो सकता, आयोडीन भी नहीं हो सकता। और आप देखें ए और बी में क्लोरीन की या फ्लोरीन की किस किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें वीकेस्ट लंदन फोर्स होगा। तो फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, तो उसकी वजह से फ्लोरीन में वीकेस्ट लंदन फोर्स होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ठीक है सॉन्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आ गई है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, तो चैनल को लाजमी अब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और इस चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।